दोस्तों मिस्र जो पूरी दुनिया में अपने पिरामिडों और ममियों के लिए मशहूर है, लेकिन इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे राज हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं और इन सब के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन काल के कुछ बेहद हैरान कर देने वाले सच जो किसी के भी होश उड़ा दे। मिस्र के लोग राजाओं के मरने के बाद उनके साथ नौकरों को भी दफना देते थे। पहले तो उनके सिर पर वार किया जाता था ताकि वो बेहोश हो जाए, फिर उनको राजाओं के साथ दफना दिया जाता था। मिस्र के लोगों द्वारा बनाई गई संरचनाओं को देखते हुए ये साबित होता है कि मिस्र के लोग गणित में बहुत ही तेज थे। वे अजीब शक्ल वालों को ही काम पे रखते थे। प्राचीन काल में कोई बोना पैदा होता था तो उसे खुशकिस्मत मानते थे, क्योंकि उनका बोनापन उन्हें आसानी से नौकरी दिला देता था, क्योंकि सोने के कारखानों में विचित्र शक्ल के लोग बहुत जल्द पहचान में आ जाते थे, इसलिए उन्हें किसी भी बात के लिए पकड़ना आसान होता था। मिस्र की सभ्यता ने उस टाइम पे ही गर्भ निरोधक बना लिया था। मिस्र की महिलाएं गर्भ धारण से बचने के लिए मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के मल का एक मिश्रण तैयार करके महिलाओं के गुप्तांग में डाल दिया जाता था, जिससे महिला गर्भवती नहीं होती थी, क्योंकि मगरमच्छ का मल एसिडिक होता है जो शुक्राणुओं को खत्म कर देता है। मिस्र वासियों का बिल्लियों के प्रति बड़ा लगाव था, इसलिए इनकी मौत के बाद इनकी मम्मी बना दी जाती थी और एक प्याले में दूध और चूहे के साथ इनको दफना दिया जाता था। उनका मानना था कि कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो वो बिल्ली ही है। दोस्तों उस दौर में बने इन पिरामिडों को देखकर आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि ये पिरामिड कैसे बनाए गए थे, पर आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि इन पिरामिडों को बनाने के पीछे गुलामों का हाथ नहीं था, बल्कि इनको बनाने वाले कलाकार थे जो विज्ञान और गणित में बहुत तेज थे, जिनका नाम स्मारकों पर लिखा नजर आता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इसको शेयर भी करें, और आने वाली और भी रोमांचक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।